तो अपन ने आपसे डिस्कस किया होगा क्योंकि उसके पेट में बात पचती नहीं है, सबको पता है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को भी पता होगा। सर आपके कॉल तो अटेंड हुए थे सर। हाँ, मेरे मंजूर के क्यों नहीं किए तुमने? जल्लाद का फोन आ गया था मंजूर। और अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिद्धि और हमारा प्रोजेक्ट डन हो गया है। Wow. So, एक नई कंपनी के साथ में पहला प्रोजेक्ट मिलने की बहुत भयंकर खुशखबरी में कुछ तो बनता है खाना। ड्राइवर की शादी? हाँ, यस। सो ड्राइवर की हमारा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मतलब हमारा कॉलेज का फ्रेंड है जो साथ में बंक्स वगैरह करा करते थे कॉलेज को। ये गाइस ऑपरेटिंग वर्ल्ड, दिस साइड तपन किया अर्चा। And this side, Riddhi Solu. Welcome to our hackers vlog. Riddhi आपको बहुत दिनों के बाद हमारे ब्लॉग में नजर आ रही होगी। आगे बाद ब्लॉग बन रहा है। हाँ, तो रिद्धि चेन्नई से आ चुकी है और रिद्धि ने चेन्नई के अंदर एक पूरा ब्लॉग शूट करा था। और दूसरा कोई काम नहीं आया क्योंकि बताइए आप ही अपनी स्टोरी। हाँ, मैंने पूरा व्लॉग शूट किया था, मतलब बहुत सारे गैप्स में शूट किया था, तो उसमें मतलब आवाज का बहुत डिस्टरबेंस आया क्योंकि ना मैं कोई भी कुछ भी लेके नहीं गई थी। ऑब्वियसली इतनी हरी में गई थी और इतने टेंस में गई थी ना कि मैं कुछ भी माइक या कुछ भी स्टैंड नहीं लेके गई थी, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड आ रहा था। कुछ कुछ डाल सकते हैं उसमें से, लेकिन थोड़ा सा फिर भी कुछ बना रहेगा, तो देखेंगे। काफी फिल्टर करना पड़ेगा उसको, पर ठीक है, हम ट्राई करेंगे। कुछ क्लिप्स को हम लोग डाल दें, क्योंकि चेन्नई का एक अच्छा व्लॉग होना चाहिए भाई। हम लोग ना पहले बोला था कि हम ट्रैवल करेंगे, तो चेन्नई तो पहला हो गया हमारा, मुंबई हो गया, चेन्नई पहला हो गया, बट द थिंग इज वो ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं था। तब भी मतलब वहाँ गए ना, काम से गए तब भी गए तो ना, बहुत एक दो चीज का था, ठीक है, लेकिन मैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी वहाँ पे किस तरीके से ऑडिट हुई एंड क्या रिस्ट्रिक्शंस थे। तो ये बहुत अच्छी बात होगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि रिद्धि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, बेसिकली ऑडिट के टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने के लिए मिलते हैं और किस तरीके से चीजें पूरी चलती है और किस तरीके से उसको चलाना पड़ता है। हाँ, मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि चलती तो क्या नहीं ऑन द स्पॉट आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है और कितना चीज आपको मिला है, कितनी चीज आपको करनी है, किस टाइम पे करना है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाह रहे हैं या फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, तो उनके लिए तो ये स्पेशल होने वाला है ब्लॉग हमारा, क्योंकि इसके अंदर रिद्धि बताएगी भी सरी क्या उसे एक स्पेशल वीडियो। तो बहुत बढ़िया बात है भाई, दो दिन के बाद, एक से दो दिन के बाद सीधे लाइव सेशन पे रिद्धि आने वाली और बताएगी अपना पूरा एक्सपीरियंस कि क्या क्या उन्होंने वहाँ फेस करा है ना। और इसका इसके लिए अगर आपको जानना है सेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसा कुछ फेस जैसा नहीं है कि फेस किया, मतलब बहुत डिफिकल्टीज फेस करी होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइक जस्ट एक एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आपको एटमॉस्फेयर मिलता है। और रिद्धि बिजनेस क्लास में गई, सो बहुत इंजॉय करा, मतलब बहुत इंजॉय करा, टेंशन के अंदर वो इंजॉयमेंट नहीं हो पाया, पर अगर एक्चुअल में ये नॉर्मल ट्रिप होती ना तो उसमें काफी इंजॉय करा जा सकता था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा वहाँ पे 8 days था, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने एक ही पिक ली, बिकॉज आई वॉज ओनली अ सिंगल पर्सन जो साथ मूव कर रहा था, कोई और नहीं था कि कोई मेरा क्लिक करता। तो ये बात है। सो फाइनली जिम के बाद रिद्धि ने अब शुरू कर दिया है फ्रूट्स खाना। मैंने अच्छा, ये चलो ये तो मेरे थे ना। Exactly. तो ये मेरे थे। एप्पल, ऑरेंज, गुआवास तो चलते हैं, वो तो खाती हूँ मैं भी। Okay. और जापान भी खाता है। तो रिद्धि वाज टेलिंग मी कि ना वहाँ जाके बेसिकली वहाँ का एटमॉस्फेयर था अजीब सा रहता है ना। वैसे तो पूरा हाइट में ही थी मैं, मतलब कैब में जाना और फिर घर पे रहना, मतलब होटल में रहना या ऑफिस में रहना, लेकिन पता नहीं वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा ना कलर थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि पूरा ट्रैवल करना पड़ा ना, मतलब चेन्नई से पहले अपने कोटा से मुंबई गए, मुंबई से चेन्नई, पनीर खाया, मतलब अब तो थक गई, अब तो मैं कभी नहीं खाऊंगी लाइफ में पनीर। रिद्धि ने पूरा प्रोटीन लिया अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर और अब वो फूट फूट के निकल रहा है। प्रोटीन नहीं होता है, प्रोटीन होता है बट ठीक है ना, वो किस तरीके से कुक हो रहा है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट ना, कि वो कुक प्रोटीन वाला हो रहा है कि नॉन प्रोटीन वाला हो रहा है। रिद्धि ने नॉन वेज वाला प्रोटीन खाया है। नहीं, अजीब सा होता है ना वहाँ पे। अरे सीरियसली मैं एक शेयर करना चाहूंगी, मैंने जब रात को मलाई कोफ्ता ऑर्डर, मैंने कहा बहुत पनीर खा चुके हैं, लाइक आई एम टायर्ड, तो मैंने क्या किया, मैंने मलाई कोफ्ता ऑर्डर किया एंड वो वेज 90% नॉन वेज रेस्टोरेंट था एंड 10% वेज था, 10%. तो उसने दिया तो मुझे वेज ही था, पर मुझे नॉन वेज जैसे लगा, मैंने पूरा छोड़ दिया। अन्य देवता का अनादर था, पर क्या करें, वहाँ पे तो कुछ खाने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे, कुछ ऑप्शन पता नहीं, लाइट कम आ रही है यहाँ पे कि कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा डार्क कलर हो गया है, तो मेरे को ना काफ़ी लाइट का फोकस लेते हुए बात करना पड़ रहा है एक्चुअली। अब हम लोग जल्दी हैकर्स मीट लेके भी आ रहे हैं एज सच, तपन ने आपसे डिस्कस किया होगा क्योंकि उसके पेट में बात पचती नहीं है, सबको पता है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों को भी पता होगा, तो देखते हैं हम उसमें क्या क्या स्टेप्स रखते हैं। आप लोग जो भी व्लॉग देख रहा है प्लीज़ ज़रूर उस चीज़ को अटेंड करें, बहुत मज़े वाला होने वाला है एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, अभी जस्ट मैंने एक मैसेज देखा कि ना हमने एक नई कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करा था, सो उसका एक नया एंगेजमेंट हमने करा था, एक स्कोप ओवरव्यू वगैरह करा था हमने। रिद्धि उस टाइम पे बाहर थी तो रिद्धि से बात नहीं हो पाई थी, पर बाकी हमने यहाँ पे पूरा मैनेज करा, पर उसके बाद
और अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रिद्धि और हमारा प्रोजेक्ट डन हो गया है। वाओ, एक नई कंपनी के साथ में पहला प्रोजेक्ट मिलने की बहुत भयंकर खुशखबरी में कुछ तो बनता है। खाना भेलपूरी खा लेंगे, पानी पिताशा खा लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला, ये चल जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं। चना जोर गर्म खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, मतलब ऐसा कुछ जो हेल्दी हो। कुछ ना कुछ पार्टी तो बनती है ना, जश्न तो बनना चाहिए। क्योंकि मतलब कई बार हम लोग ना कोलैबोरेशन करते रहते हैं वैसे तो, ठीक है ना, पर ना जहाँ से हमें काम मिले वो अच्छा कोलैबोरेशन होता है, हम ये मानते हैं। सो ये एक नया VAPT का काम आया हमारे पास, उसके बाद सोर्स कोड रिव्यू भी आएगा साथ में ही है, तो इसके तो मतलब हमारे साथ एक नई कंपनी जुड़ चुकी है और अब हमारी टीम भी बड़ी होने वाली है। हाँ, सो अभी बेसिकली 79 लोगों की टीम है हमारे पास अभी करंट के अंदर, जो कुछ फ्रीलांसर और कुछ हमारे यहाँ पे आके काम करते हैं। तो वैसे ही टीम हमें डेवलप कर रखी है अभी, और उसको हम ग्रो कर रहे हैं ताकि हम और भी अच्छे काम कर सकें, और भी टीम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ और भी कोलैबोरेशंस करेंगे। 2-3 कोलैबोरेशंस ऑलरेडी पहले हो चुके हैं हमारे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं, अभी एक नया कोलैबोरेशन हुआ है। मैं जैसे इनको अभी हैकर्स मीट का ही बता रही थी कि सब ज्वाइन करें उसको, शायद तुमने बता दिया होगा पहले। नहीं अभी नहीं बताया। ओ गॉड, मैंने जस्ट अभी इन लोगों को यही बोला है कि तपन के पेट में बात नहीं पहुंचती, तो शायद पता होगा सबको, बट लाइव सेशन में तो वो पता है, बाकी ऐसे मेरे ब्लॉग में नहीं बताया मैंने। अच्छा, उसका ब्लॉग बना नहीं अभी। ओके ओके, हम लोगों के पहले भी ऑफिस में ड्रेसेस हुआ करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से हम लोगों ने सबने कैजुअल वेयर्स रख लिए या फॉर्मल वेयर रख लिए, लेकिन सबका कलरफुल वेयर था। तो अब हम लोग, तपन और मैं अभी जा ही रहे हैं, तपन अभी जा रहे हैं ना, तो हम लोग जा रहे हैं ड्रेस सेलेक्ट करने कि कौन सी ड्रेस रखें हम ऑफिस एज एन यूनिफॉर्म। तो देखते हैं, कुछ सजेशंस आए हैं कि ये वाला कलर सही रहेगा, ये कॉमन है, जल्दी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, तो देखते हैं कौन सा कलर हम चूज। मंसूर क्या कर रहा है? आज तो दो पार्टी होनी चाहिए, एक तो कोलैबोरेशन डन हुआ और एक मंसूर बताएगा खुशखबरी। मंसूर खुशखबरी क्या है? मंसूर थ्रो करो, क्या बताऊं? मंसूर भूल गया, कुछ हो गया। खुशी है यार, खुशी है, बता मुझे बता। साक्षी मैम क्या कर रहे हो? बस हैकर्स मीट की प्रिपरेशन। आज तो सभी उस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मंसूर भी वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं ना। वेरी गुड। सो आज है ना, बहुत दिनों के बाद आदित्य को है ना, बहुत सारे एकेडमी के बच्चे मिस कर रहे थे ना, तो आदित्य ने ऑफिस से ज्वाइन करा है। इसको मैं धमकी देते डरा देता बहुत दिनों से, सर ने डरा दिया था। मंसूर और मेरा फोन देता था, मतलब है ना कि ना, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, मंसूर वो जो टांगता है, क्या नाम है, फांसी देते वक्त क्या बोलते, जल्लाद का फोन आ गया, ऐसे इग्नोर करता था ये उसको। कौन? ये हमारा और मेरा और मंसूर का फोन, जल्लाद का फोन आ गया। मैंने सर आपके कॉल तो अटेंड हुए थे सर। हाँ, मेरे मंसूर के क्यों नहीं किए तुमने? जल्लाद का फोन आ गया था मंसूर। सो अभी ऑफिस से ना आदित्य ने ज्वाइन कर लिया, कल से ऑफिस से काम। कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, फादर थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब थी, तो इस वजह से उसने लीव ली थी। तो अभी ऑफिस से ज्वाइन कर लिया और अब ऑफिस से काम करना शुरू, काम करना और कोलैबोरेशन बढ़ाने कंपनीज के साथ में, और प्रोजेक्ट्स भी बढ़ाने हैं सब में। कोलैबोरेशन तो पैसा 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 इधर से पैसा आना चाहिए, पैसे आने चाहिए हर तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी उस पर काम करना शुरू करेगा। सो अभी जो है हमारी यहाँ पे काफी सारी ना मीटिंग्स वगैरह चल रही है, कंटिन्यूस कंडक्ट हो रही है हैकर्स मीट के लिए, तो अभी काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं करा अभी तक, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको हैकर मीट का, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लें। फर्स्ट राउंड जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लग नहीं रहा उसके अंदर, तो पहली बात अपना नॉलेज टेस्ट करने की, बेसिकली आपका नॉलेज किस लेवल का अभी तक फिलहाल, ठीक है ना। और सेकंड राउंड में जो जाएगा उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली, रिद्धि बता चुकी है। मैं ओवरराइड जा रही हूँ, तुम चल रहे हो, पूजा तो करो फिर चलेंगे ना। चार रही हूँ, जल रही, आधे घंटे से ही बोल रखा है। तो बेसिकली इसके अंदर है ना, सेकंड राउंड में जो जाएगा उसको काफ़ी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में मिलेगा सेशन अटेंड करने का। 2 दिन का सेशन होगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी उसमें। एक हैकर की टी शर्ट मिलेगी आपको, फेस पे मास्क मिलेगा और आईडी कार्ड मिलेगा। तो भाई पूरा स्वैग होने वाला है हैकिंग वाली वर्कशॉप के अंदर। और गोलू इज द पर्सन हु इज मैनेजिंग, है ना, ये गोलू जो है यही है ना, वाइट वाला मास्क लगा रखेगा पूरे वर्कशॉप के अंदर, और आप समझ सकते हैं वो कितना ग्लो करेगा फेस के ऊपर। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं अभी, तो इसलिए है कोरोना का भरा। अरे हाँ, ये बढ़िया तरीका है रे, फेस पे मास्क लगा रखो, कोरोना ही नहीं होगा। दिया मुंह बन रहा है, यानी क्या कर रहा है। तो कल का स्पेशल, कल का एक ब्लॉग जो हमारा आने वाला है वो भी बहुत स्पेशल होने वाला है रिद्धि, शुभम वाला, ड्राइवर की शादी। हाँ, सो ड्राइवर की, हमारा एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मतलब हमारा कॉलेज का फ्रेंड है, जो साथ में बंक्स वगैरह करा करते थे कॉलेज को। सो उसकी एक शादी होने वाली है अभी बूंदी के अंदर, तो हम वहाँ पे विजिट करेंगे, मैं और मेरा एक दोस्त और रिद्धि, हम तीनों जाने वाले हैं शादी में। तो बेसिकली वो ड्राइवर है, मतलब अभी तो नहीं रहा, अब नहीं रहा वो, पर पहले ड्राइवर था उसको, हम ड्राइवर बोलते हैं। शक्ल उसकी है ना, ड्राइवर जी लगती थी हमें,
सो लाइक यूज टू कॉल हिम ड्राइवर इधर आ ड्राइवर इधर आ. सो ड्राइवर की अभी शादी है तो उसकी शादी को अटेंड करेंगे हम लोग, इन्जॉय करेंगे. और बूंदी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे हम विजिट करने वाले हैं अरिदी. और आज पूरा दिन ड्राइवर के, मतलब कल पूरा दिन ड्राइवर के साथ रहे. सो अभी दोस्त शादी है तो भाई वहाँ जाना है, धमाल मचाना है, उधर ही पूरा ब्लॉग शूट करेंगे, ड्राइवर को दिखाएंगे हमारा ब्लॉग क्या है कि नहीं. हाँ. तो वो सब चलेगा. और मेरा एक दोस्त और आने वाला है आकाश मीणा, वो ऑल्दो अभी फिलहाल कुछ कर नहीं रहा पर काफ़ी कुछ करेगा तो आगे फ्यूचर में. गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहा, उसको भी लेकर आएंगे ब्लॉग और बाकी वहाँ की बातें दिखाएंगे क्योंकि 5 बजे निकल जाएंगे. निकलते निकलते I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Background ko mat dekhna, actually main Riddhi ne vlog ko end. बैकग्राउंड कितना इंटरेस्टिंग है, प्लांट्स और पीछे जो रेलिंग लगी हुई है बाउंड्रीज की वो कितनी सुंदर है देखो. सो अभी हम लोग व्लॉग को एंड करने जा रहे हैं और रिद्धि व्लॉग एंड करने के लिए स्पेशली मुझे यहाँ लेकर आई है, मेरे घर के पास में एक जगह ही है जहाँ पे हमने एक्चुअली मेरा यहाँ पे फ्लैट है इस बिल्डिंग में, तो मैं इधर ही आने वाली थी तो मैंने तपन से कहा कि अपन इधर ही एंड कर देते हैं. रिद्धि का फ्लैट है भाई, रिद्धि बहुत अमीर है ठीक है ना. सो रिद्धि का फ्लैट है, ये सामने वाली बिल्डिंग है जैसा रिद्धि ने बताया आपको और जैसा मुझे अभी 2 मिनट पहले पता चला ठीक है ना. सो ब्लॉग को अभी अपन को पेट में बात नहीं पचा रही तो ठीक है, ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है ना, शाम होगी तो बड़ा घर निकल रहे हैं हम लोग का प्लान है. एक सेकेंड, हम लोगों का प्लान है कि हम लोग इधर लेंगे 1 BHK और मे बी 2 BHK. सो इसलिए हम लोग इधर आए थे एक बार, हम इधर ही एंड करने आए. चलो पीछे बिल्डिंग है, इस तरह बिल्डिंग नहीं है, मतलब ये तो फिर बैक साइड फ्रंट साइड हो गया उसका, पीछे बिल्डिंग है तो वो कभी और दिखाएंगे आपको जब. अभी तो कुछ और प्लान चल रहा है, बिल्डिंग है लेकिन इसके अंदर के जो 1 BHK 2 BHK ना बहुत सफोकेटेड है एक्चुअली में, इसलिए अभी हमें डिसाइडेड नहीं हुआ. तो बड़ा ब्लॉग का एंड करते लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मेन रोड पर खड़े होकर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं. ठीक है सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको. सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय. Everything just feels like a